गाइस वैकेंसी जीके। तो गाइस जो कैंडिडेट्स 16 सितंबर को इलेक्शन कानगो का एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही बुरी खबर। बुरी खबर यह है कि पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन अपलोड किया है आज ही। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने जो वैकेंसीज हैं वो डिस्क्रीज कर दी हैं, यानी कि वैकेंसीज आपकी कम हो चुकी हैं। तो गाइस पहले तो वैकेंसीज के बारे में देख लेते हैं, कितनी वैकेंसीज थी अब कितनी हो गई हैं। पहले थी 30 वैकेंसीज थी टोटल ओवरऑल, ओके। अब इन्होंने कम करके टोटल वैकेंसीज कर दी हैं 11 वैकेंसीज अब हो गई हैं, 30 से 11 हो गई हैं। तकरीबन 70% वैकेंसीज हैं वो कम हो चुकी हैं, ओके। जनरल कैटेगरी की 5, एससी की 2, उसके बाद बीसी की 1, उसके बाद एक्स सर्विसमैन जनरल की 1, एक्स सर्विसमैन एससी की 1 एंड जो हैंडीकैप है उनके लिए 1 वैकेंसी रह गई है। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो हैं 11 ओनली, ओके। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले भी बहुत कम वैकेंसीज थी, 30 थी, लेकिन अब 11 हो गई हैं। तो गाइस काफ़ी बुरी खबर है, ये पता नहीं ये बोर्ड ने ऐसा क्यों किया, इसका रीज़न क्या है इसके पीछे, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ऐसा नोटिफिकेशन कैंडिडेट्स को ऑफकोर्स डीमोटिव करेगा। लेकिन मेरा इस वीडियो के जरिए आपको बताना का मकसद आपको डीमोटिव करना नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको बता रहा हूँ वैकेंसीज कम हो गई हैं, मेरा फ़र्ज़ था आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताना। अब बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम के बारे में डीमोटिव होना चाहिए या नहीं। तो देखिए वैकेंसीज हो चुकी हैं कम 11, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि अब आप एग्ज़ाम के लिए, आप अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है, अच्छी तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम के लिए आप डीमोटिव हो जाएं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। कम हो गई हैं तो सभी के लिए हुई हैं, आप अकेले नहीं हैं जिसके लिए जो वैकेंसीज कम हुई हैं। ऑफकोर्स जिस कैंडिडेट ने अच्छी तरह से तैयारी की होती है उसको दुख होता है ऐसे नोटिफिकेशन आने पर। अगर ऐसा नोटिफिकेशन एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, 2 दिन भी नहीं 1 दिन पहले आया है ऐसा नोटिफिकेशन, तो गाइज ऑफकोर्स ये बुरी बात है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अच्छी तरह से तैयारी की है। तकरीबन सभी कैंडिडेट्स को इस बात का बुरा लगेगा, ओके। लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर वो चाहें तो डिस्क्रीज कर सकती हैं वैकेंसीज, अगर वो चाहें तो इनक्रीज़ भी कर सकती है, ओके। तो गाइज अब माइंड में बिठा लीजिए कि कंपटीशन पहले से भी ज़्यादा है आपका, आपको पूरी तैयारी से जाना है और अपना बेस्ट देना है, ओके। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो इसका मीनिंग यही है कि आपने गिव अप कर दिया और आप उनमें से नहीं है जो गिव अप करेंगे, ओके। तो गाइज मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम देने जाइए, भले ही वैकेंसीज 11 है या फिर 1 है, ओके। आपको सिर्फ एक चाहिए तो आपको वो एक मिलेगी। कंपटीशन की बात है, कंपटीशन का लेवल बिल्कुल बढ़ चुका है क्योंकि 30 से 11 हो गई है, ठीक है। तो इसके बारे में सोचना बंद कीजिए, जो नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको बता दिया। अब एक नोटिफिकेशन इन्होंने दूसरा बताया हो, इसमें बताया है कि कम से कम आपको 33% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए रिटर्न में, ओके। तो 33 या 34 से काम तो चलेगा नहीं, आपको पता है 11 वैकेंसीज हैं तो आपको टॉप में रहना है, ओके। टॉप में किस तरह से रहना है वो आपको पता है, आपने तैयारी कर ली है अच्छी तरह से, ठीक है। अगेन आपको कहूँगा कि कम वैकेंसीज होने की वजह से प्लीज़ एग्ज़ाम को मत छोड़िए, एग्ज़ाम जरूर दीजिएगा। कम से कम कुछ और नहीं तो आप वहाँ से एक्सपीरियंस लेकर तो आएंगे ना, ओके। नेक्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम आएगा उसके लिए जो आपको, आपकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो आपको ये एग्ज़ाम काम आएगा, ओके। तो गाइज छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बुरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। तो इसके अलावा अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इसका रीज़न क्या है वैकेंसी डिस्क्रीज करने का, वो मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे भी एग्जैक्ट में इसका नहीं पता, ओके। मुझे नहीं पता इसका क्या रीज़न हो सकता है, अगर आपको किसी को पता हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं इसका रीज़न क्या हो सकता है। लेकिन जो भी रीज़न हो, बहुत ही बुरा रीज़न है, बहुत ही गलत हुआ कैंडिडेट्स के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, अब आपने एग्ज़ाम पर कंसंट्रेशन कीजिए, बस 1 दिन आपके पास बचा है, कल का दिन है, उसके बाद संडे को आपका एग्ज़ाम है, ओके, ओके गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।